लेंस मैकर्स फॉर्मूला पढ़ते देन आउ कौन पढ़ते ना होता थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ते ठीक अच्छे। सो थिन लेंस फॉर्मूला रे आमे थिन लेंस रे डेरिवेशंस करथिले। थिन लेंस रे डेरिवेशन कौन अली करथिले ना 1 डिवाइडेड बाय वी माइनस 1 डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। ता माने कौन 1 डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस माइनस 1 डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। ए फार्मूला हम डिराइव करथिले दिस इज ट्रू फॉर बोथ कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस हो कि कनकेव लेंस हो दीटा जाक ए फॉर्मूला ठीक रहइबो। देन एबे आठ आम आउ टिके आगो को जिबा आगो जाई कोन पढिबा ना आगो जाई पढिया मैग्निफिकेशन। आगो जाई कोन पढिबा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस ठीक अछि। गोटे लेंस रे मैग्निफिकेशन केमिति प्रोड्यूस हुए फॉर एग्जांपल देखो तमे जदि गोटे जब काच नब जब काच बा आमे जा कोचे मैग्निफाइंग ग्लास ठीक अछि। मैग्निफाइंग ग्लास ता देखियो केमिति एई टाइप रहि कि थाए हां एई जो मैग्निफाइंग ग्लास थाए ए मैग्निफाइंग ग्लास रे जतबे आमे गोटे लेटर टा को देखु छे से कोन होछि हमकु जूम हे के देखा जाउ छि ता माने तार ओरिजिनल साइज टू से अधिक साइज देखा जाउ छि ता माने से कोन हला ऑब्जेक्ट रो साइज टा एनलार्ज हला। किंतु गोटे गोटे सिचुएशन रे फॉर एग्जांपल आमे जदि देखिबा हमरो बाइक रे लागिथिबा मिरर ठीक अच्छे जदि आम बाइक रे लगे मिरर रे देखुचे ताले कौन हो इमेज रा साइज टा सान हो तो सेमिति आम जदि लेंस कथा देखिबा तो लेंस कथा जदि देखिबा डिफरेंट पीपल डिफरेंट टाइप रो स्पेक्टेकल्स यूज करथाउ छन किए को टाइप रो चश्मा यूज करथाउ छन। तो तमे जण जण चश्मा रे देखिबो तो मु लेखा जाय बहुत सान देखा जाउथबो किंतु आउ जण जण चश्मा रे लेखा जाय बहुत बड़ देखा जाउथबो। तो एटी कोन हला ना गोटे जगह रे लेखा जाय कोन हला मैग्निफाइड हला तो आउ गोटे जगह रे लेखा जाय डिमिनिश हला ठीक अच्छे। तो ए जो होउची ताको कहंदी मैग्निफिकेशन याको कोन कहउची इमेज को मैग्निफिकेशन। इमेज इज मैग्निफाइड। मैग्निफाइड जदि पॉजिटिव हला ता माने बड़ हबो मैग्निफाइड जदि नेगेटिव हला ता माने सान हबो। तो डेरिवेशन करिया केमिति मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होउची तो ता पई हमें कोन करबा ना मु तमको एडे ओटे एग्जांपल्स दउची कार एग्जांपल नबा ना हमें कन्वेक्स लेंस एग्जांपल नबा। तो कन्वेक्स लेंस के केमे देखिया को so this is a convex lens I am sab bole thin convex lens hi use kariba then this is the optical center a to right ko gote line yade gote line this represent your principal axis aku ame kon kahiba principal axis kahiba principal axis this is o your optical center thik achi mone kara this is your second focal plane this is your second focus this is your second center of curvature this is your first focus this is your और प्रिंसिपल आपको हमें कहते प्रिंसिपल फोकस ठीक है। प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक अच्छे। तो यही दीटा पॉइंट आम कौन करें अब्जेक्ट कौटे रखिली अब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब्जेक्ट कौट रहा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भितर रहा ये कौ टाइप इमेज फॉर्मेशन कर। सो देख एठो आमे गोटे रे डायग्राम करिबा इन दिस वे ठीक अछि। तो ये केमिति जीवो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू फोकस ये फोकस देई के पास करियो ठीक अछि। देन अनदर राइट लाइट रे नबा अनदर लाइट रे को डायरेक्शन रे नबा ना डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर। जदि ताको ऑप्टिकल सेंटर रे डायरेक्शन रे नबा ताहाले से अनडेविएटेड पास हबो। केमिति पास हबो अनडेविएटेड पास हबो। तो ए जो दीटा लाइट रे जाइकरि गोटे पॉइंट रे मिसि तो जो पॉइंट रे मिसिले सेठे हमर इमेज फॉर्मेशन हबो। तो जदी एटा होची ए बी देन दिस इज योर ए प्राइम बी प्राइम। तो एठे इमेज को टाइप रो फॉर्मेशन नला ना एठे इमेज फॉर्मेशन नला एनलार्ज्ड इमेज फॉर्मेशन नला। इमेज रो साइज कोन हेई छि बढी जाई छि। तो इमेज रो साइज मैग्निफाइड हेई छि। तो केते अमाउंट रे मैग्निफाइड हला मन्ने कर सपोज दिस डिस्टेंस दिस हाइट इज h1 ऑब्जेक्ट रो हाइट हला h1 इमेज रो हाइट मन कर आम ने h2 इमेज रो हाइट केते नेले h2 देन देखिया दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ठीक अछि। दिस इज योर इमेज डिस्टेंस v एंड दिस इज द फोकल लेंथ f। एतिक जेंस गिवन अछि। तो आमे एबे कोन बाहर करिबा मैग्निफिकेशन बाहर करिबा। तो मैग्निफिकेशन पय फार्मूला कोन मैग्निफिकेशन इज defined as magnification is
defined as image distance image height of the image height of the image divided by height of the object. ठीक है मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट इज टर्म्ड एज एम एम फॉर मैग्निफिकेशन. ठीक अच्छे तो मैग्निफिकेशन पे हमर फार्मूला कौन हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो केमिति दैट इंप्लाइज जदि हम मैथमेटिकली लिखिबा एम इज इक्वल टू एच टू डिवाइडेड बाय एच वन हला सो यही जिनसा मुझे लिखी रखी लेट अस दिस इज इक्वेशन वन हाँ सपोज दिस इज इक्वेशन वन एबे देखिबा आम ये दुटा ट्राएंगल कनसीडर करिया कौन कौन ट्राएंगल कनसीडर करिया ना ट्राएंगल ए बी ओ वन ट्राएंगल एंड ट्राएंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ दिस इज अनदर ट्राएंगल तो ये दुटा ट्राएंगल को आम सिमिलारिटी प्रूफ करिया केमिति सिमिलारिटी प्रूफ करिया ना एंगल एंगल कोरेस्पोंडेंस रे सिमिलारिटी प्रूफ करिया दिस इज योर 90 डिग्री दिस इज अगेन 90 डिग्री गोटे एंगल समान हला देन देख दिज टू आर अपोजिट एंगल्स हाँ ये दुटा कौन अच्छी अपोजिट एंगल रही तो ये अपोजिट एंगल दुटा मध्य इक्वाल हे तो एंगल एंगल दुटा इक्वाल हबार यहाँ आम लिखिपर ट्राएंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राएंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ हला देन जदि सिमिलर हो आम कौन लिखिपर वी कैन राइट दैट इंप्लाइज ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वाल टू OB prime divided by OB. Hello. Then A prime B prime. A prime B prime kota this one. AB kota this one. OB prime kota this one. OB kota it. So ए सब जगह को कोथरे हम रिप्रेजेंट करचे ना गोटे को H2 गोटे को H1 आ गोटे को V आ गोटे को U रे रिप्रेजेंट करचे. हेले एटा आम डायरेक्टली यूज कर पारिबा नाही एटा आम कौन करिया पड़े साइन कन्वेंशन यूज करिया पड़े वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन वी हैव टू यूज साइन कन्वेंशन. ठीक अच्छे तो जदि आम साइन कन्वेंशन यूज करिबा देख ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिस इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ बी तो ओ बी टा मोर को डायरेक्शन रे अच्छी ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट रे अच्छी तो मुझे आपको लिखी माइनस यू. ठीक अच्छे then o b prime see o b prime kemiti achi optical center to right ko achi to aku mu lekhibi o b prime is equal to plus b. thik achi then a b dekho height ta optical center to up ko achi to eithe hobo a b is equal to plus h1 hala then ए प्राइम बी प्राइम देख ये ऑप्टिकल सेंटर टू बा प्रिंसिपल एक्सिस टू डाउन को अच्छी ये केमिति अच्छी प्रिंसिपल एक्सिस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन रे अच्छी तो प्रिंसिपल एक्सिस टू जदि डाउनवर्ड डायरेक्शन रे थिबो ताले तार वैल्यू कोन हबो नेगेटिव हबो तो ये गला माइनस एच टू. ठीक अच्छे तो यही जो चारटा वैल्यू को मु ए इक्वेशन रे यूज करबी. ठीक अच्छे तो सपोज दिस इज योर इक्वेशन टू देन by applying sine convention to equation 2 by applying sine convention to equation 2 we have kon paiba dekho na jodi sine convention use kariba a prime b prime kete minus h2 a prime b prime kete huchi minus h2 so that implies minus h2 divided by ab kete huchi ab huchi plus h1 so I can write here h1 is equal to ob prime ob prime where is your ob prime is v. thik achi so this is v divided by OB कौन अच्छी माइनस यू सो दिस इज माइनस यू सो ये माइनस को माइनस कैनसल हो गला दैट इंप्लाइज
H2 by H1 is your magnification. That implies magnification. M is equal to H2 divided by H1 is equal to V divided by U. ता माने image distance divided by object distance कले मधे आमे magnification पाई परिवा. So magnification को आमे एड़ी केतरा हुए रे पाई परिवा, दीटा हुए रे पाई परिवा. कौन? ना by using the height of the image divided by height of the object or image distance divided by object distance. जे कौन सी हुए रे आमे बाहरा करी परिवा. ठीक अच्छे. So this is all about your magnification produced in a convex lens. जब हमें convex lens नहीं थी बात, ताहले ए टाइप रे magnification produce हो बो. In case जब हमें concave lens नोचे, ताहले magnification केमिति produce हो बो. जब हमें magnification convex lens में ए प्रकार formation होची कौन? H2 by H1 = V/U. Concave lens पे मध्यो सही प्रकार ही हो बो. And this is a task for you. एडा तुम पे task. जदि तमे सेम टाइप रे कोन करिवो ना गोटे कनकेव लेंस नबो कनकेव लेंस रे डायग्राम करिवो रे डायग्राम कला परे सेथिरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को h1 नबो इमेज डिस्टेंस को सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट को h1 नबो इमेज हाइट को h2 नबो नेकिरी सेम फार्मूला यूज करिके बाहर करियो. दिस इज ए टास्क फॉर यू जोडा कि तमे करिके मते नोट्स व फोटो उठे पठेबो. ठीक अछि. देन ओके कार एथरे कोन डाउट रहिला ना सब जणा पड़ला. हेलो सो नेक्स्ट देखो सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन. तो एठे मैग्निफिकेशन कौन कौन नहीं के बाहर ला एठे मैग्निफिकेशन बाहर ला इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. जदि इनकेस आम को से कौन कर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देनी किंबा इमेज डिस्टेंस देनी ताले कौन दे थिबो ना फोकल लेंथ दे थिबो. कौन दे थिबो फोकल लेंथ दे थिबो. जदि फोकल लेंथ दे छि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे छि इफ फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन देन व्हाट विल बी इट्स मैग्निफिकेशन और हाउ कैन वी फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन. So, eight time next podiba magnification in terms of U and F. ठीक अच्छे. जदि U आउ F अच्छे U माने कौन object distance F माने कौन focal length. जदि अच्छे आम के बाहर करिया तो ये आम गोटे जिनस यूज करिया कौन जाने From thin lens formula, कौन जानिचे ना 1 divided by V minus 1 divided by U is equal to 1 divided by F. We know this. एबे कौन करिया? Multiply both side by U. Both side रहा हमें U multiply करता हुआ. ठीक अच्छी? Multiplying U both side. We have कौन होची देखो U multiply करीबा 1 divided by V minus 1 divided by U is equal to U into 1 divided by F. ठीक अच्छे. Then मैं आपको ये लिखे दूची एड़ा को ऊपर लिख दी थी कौन M equal to H2 divided by H1 equal to V divided by U. Okay. Then सो एड मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करले कत्ते हबो U डिवाइडेड बाय V माइनस U डिवाइडेड बाय U U को U कैंसिल हो तो रहइबो कत्ते 1 इज इक्वल टू U इनटू 1 बाय F कथेला U डिवाइडेड बाय F हला. ठीक अछि. दैट इंप्लाइज एड देखो 1 माइनस अछि जदि म को राइट साइड ने भी प्लस हो जइबो. सो देखो U डिवाइडेड बाय V is equal to U divided by F plus 1. ठीक अच्छी. That implies U divided by V is equal to F. ता इट अच्छी. जदि हमें इडे
एलसीएम नहीं जावा ये कौन हम एफ एम रहा ये हम यु प्लस एफ हेल्ले देख ये अच्छे यु बाई एफ तो आमर मैग्निफिकेशन कौन वि डिवाइडेड बाय यू सो हियर वी कैन राइट कौन लिखी पार देख एम इक्वल टू वि डिवाइडेड बाय यू दैट इंप्लाइज वन डिवाइडेड बाय यू बाय वि वी कैन राइट लाइक दिस ठीक अच्छे जदि आम एम लिखुचे कौन हम वन डिवाइडेड बाय यू डिवाइडेड बाय वि यू डिवाइडेड बाय वि किए दिस वन तो u डिवाइडेड बाय v जगह में कौन लिखी पारी u प्लस f डिवाइडेड बाय f ताले कौन हम f टा ऊपर पड़े तो आसला के f डिवाइडेड बाय u प्लस f सो दिस इज योर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u तो जदि आमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन अछि फोकल लेंथ गिवन अछि जदि आमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन अछि आ फोकल लेंथ गिवन अछि ताहले मध्य आमे मैग्निफिकेशन बाहर करि परिबा देन नेक्स्ट जीवा ए सेम फार्मूला रे आमे कोन करिबा यू मल्टीप्लाई न करी वी मल्टीप्लाई करिया सपोज कोन होछ देखिया तो जदि मो एडे वी मल्टीप्लाई करबी नेक्स्ट टर्म मोर कोन हबो ना देखो v डिवाइडेड बाय v केते जीवो 1 माइनस v डिवाइडेड बाय u रहला इज इक्वल टू v इनटू 1 बाय f केतेला v डिवाइडेड बाय f एबे कोन करिबा ए v बाय u टाकू राइट साइड को आनि दियो v बाय f टाकू लेफ्ट साइड को नै जाओ कोन पय एम दे करिबा हमको v बाय u दरकार v बाय u इज योर मैग्निफिकेशन so that implies I can write here v divided by u एडा कोन कली राइट साइड को आन देली इज इक्वल टू 1 आको कोन करिया लेफ्ट साइड को नबा कोन हबो माइनस v डिवाइडेड बाय f तो ये हला केते f माइनस v डिवाइडेड बाय f ठीक अछि केते हला दैट इंप्लाइज v डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाय f हला सो हमर मैग्निफिकेशन एटा ही ना कौन मैग्निफिकेशन v by u मैग्निफिकेशन इज योर v by u सो दैट इंप्लाइज m इक्वल टू v डिवाइडेड बाय u इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाय f तो देखो जदि हमको फोकल लेंथ गिवन अछि आ इमेज डिस्टेंस गिवन अछि जदि हमको फोकल लेंथ आ इमेज डिस्टेंस गिवन अछि ताहाले मध्ये आमे मैग्निफिकेशन बाहर करि परिबा ठीक अछि तो मैग्निफिकेशन हमें केमिति भी वेयर बाहर करि परिबा वी हैव थ्री मेथड्स कोन ना जदि हमको इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन अछि जदि हमको हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन अछि बाहर करि परिया जदि हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ गिवन अछि ताहाले भी बाहर करि परिबा जदि हमको फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस गिवन अछि ताहाले भी बाहर करि परिया ठीक अछि सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड ठीक अछि ये कोन मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन लेंसेस लेंस रे मैग्निफिकेशन केमिति प्रोड्यूस हुए तो एटे केतरा पॉइंट हम मन रखिया दरकार कोन मन रखिया दरकार Now first point, what is your first point? जदि तमरो m रो वैल्यू जदि तमरो m रो वैल्यू पॉजिटिव आसुचि जदि m रो वैल्यू पॉजिटिव आसुचि ताहले इमेज टा मैग्निफाइड हेतिबो इमेज टा मैग्निफाइड हेतिबो इमेज मस्ट बी मैग्निफाइड ठीक अच्छी देन आउ कौन है इतिहार अच्छी ये ग्रेटर देन जीरो इतिहार अच्छी ये कौन है इतिहार अच्छी ग्रेटर देन जीरो इतिहार अच्छी कहें कि हमारा हाइट हेच टू डिवाइडेड बाय हेच वन हाँ एडा कौन हाइट ऑफ द इमेज ये कौन
height of the object. ठीक अच्छे गोटे हाइट ऑफ़ द ऑब्जेक्ट आ गोटे हाइट ऑफ़ द इमेज तो हाइट ऑफ़ द इमेज जदि बड़ रहिबो जदि हाइट ऑफ़ द इमेज बड़ रहिबो ताहले ऑब्जेक्ट रो हाइट टू इमेज रो हाइट बड़ रहिले सब वाले वैल्यू कौन हम ग्रेटर देन वन आसो तो इट मस्ट बी सॉरी ग्रेटर हाँ ग्रेटर देन वन आसो और ग्रेटर देन जीरो आम कहीपर तो ग्रेटर देन जीरो भी हमने आम कौन हबार अच्छे ग्रेटर देन वन ही हबार अच्छे दिस इज द राइट वन ठीक अच्छे तो जदि आमको मैग्निफाइड इमेज दरकार मैग्निफिकेशन के ग्रेटर देन वन हबार अच्छे जदि मैग्निफिकेशन वन होते कौन हम ऑब्जेक्ट हाइट जिते इमेज हाइट से ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट हो कारण मैग्निफिकेशन कौन हबार अच्छे सब ग्रेटर देन वन हबार अच्छे है नेक्स्ट देन आम जो न्यूमेरिकल से करवा जो आम गोटे गोटे न्यूमेरिकल कर ए विषय तुम कनसेप्ट आहरी क्लीयर ही तो आम प्रिवियसली आहरी गुड़ाए न्यूमेरिकल करे कौन कौन न्यूमेरिकल करे ना आम थीन लेंस फर्मूला न्यूमेरिकल करने आम कौट करने थीन लेंस फर्मूला आम न्यूमेरिकल करे तो जेहेतु थीन लेंस फर्मूला न्यूमेरिकल करे एवं आम से न्यूमेरिकल गुड़ा करवा तो एवं जी जन तुम अच क्लास समस्ते डेफिनेटली खाता पेन धरी थी तो क्वेश्चन तुम स्क्रीन रे आसो यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन कहीं तुमको क्वेश्चन देखु आंसर देना आंसर मुझे करी से तुम खातें नोट कर जब खातें नोट कर पार नहीं दैट इज कम्प्लीटली योर लॉस से कारण सब खाता पेन बाहर कर क्वेश्चन स्क्रीन रे आसो क्वेश्चन लिख देन तार सल्यूशन करी देख ठीक अच्छे सो प्रति क्वेश्चन तुमको जस्ट टू मिनिट दिहब टू मिनिट्रे तुम क्वेश्चन लिखार अच्छे हला सी दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन तुम स्क्रीन ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन आसी आई टू मिनिट्स तुम पाखे टाइम अच्छी क्वेश्चन को लिखी दियो एक नंबर क्वेश्चन देख तुम स्क्रीन रे आसुआ क्वेश्चन क्वेश्चन टा से प्रकार थी तुम जदि मोर वीडियो ऊपर जब क्लिक करियो तुम्हारे फुल स्क्रीन हो ठीक अच्छे तो तुम व्हाइट बोर्ड दरकार जदि वीडियो ऊपर क्लिक कर जो मान क्वेश्चन सरला से माने व्हाइट बोर्ड पर आई होप समस्त लिखी सारी थी तो क्वेश्चन रे कौन गिवेन अच्छी ना रेडियस ऑफ कर्वेचर दीटा गिवेन अच्छी कौन लिखाई रेडियाई रेडियाई मीन दिस इज द प्लुराल ऑफ रेडियस ये कौन रेडियस प्लुराल फॉर्म ठीक अच्छे रेडियस प्लुराल फॉर्म होबार रेडियाई है तो रेडियाई के दीटा रेडियाई अच्छी केमी दीटा रेडियाई अच्छी से कौन कही गोटे डबल कनभेक्स लेंस कही कौन कही डबल कनभेक्स लेंस कही डबल कनभेक्स लेंस मैंने देखा केमी थी लाइक दिस दिस इज योर डबल कनभेक्स लेंस तो डबल कनभेक्स लेंस रे कोटा हम तुम फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर आ कोटा हम सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर कोटा सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कोटा ना देखो एडा जदि आमे एक्सिस नबा जदि आमे एडा को एक्सिस नबा एक्सिस रो राइट साइड टा होची फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्सिस रो लेफ्ट साइड टा होची सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक अच्छी तो तमरा क्वेश्चन रे कोन अच्छी फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर अच्छी आर वन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हला देन कोन अच्छी सेकंड देची आर टू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आउ कोन देची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देची रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रही थी डेफिनेटली ग्लास मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही थी ग्लास मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 1.5 तो एतिक लिखिदेले कौन आंसर हो कि एतिक लिखिदेले आंसर पूरा पूरी भूल हो कहीं भूल हो वी हैव नॉट यूज्ड द साइन कन्वेंशन आम ये साइन कन्वेंशन यूज करना जेहेतु साइन कन्वेंशन यूज करे तो आम ये आंसर भूल हम तो साइन कन्वेंशन यूज करिया जदि साइन कन्वेंशन यूज करवा देख
एडा हला ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर टू किए अछि आर1 अछि ऑप्टिकल सेंटर टू राइट को किए अछि आर1 अछि ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट को किए अछि आर2 अछि तो राइट को थिबा कैलकुलेशन जाको पॉजिटिव हबो सो ए टर्म तमरो ठीक अछि बट आर2 देखो दिस इज योर आर2 दिस इज आर2 जे की ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट को अछि बा एक्सिस टू लेफ्ट को अछि तो एक्सिस टू जदि से लेफ्ट को अछि तार वैल्यू कोन हबो माइनस हबो नाउ दिस इज द करेक्ट वन इट माइनस यू हैव टू पुट आर2 इज माइनस सब बेले साइन कन्वेंशन कैलकुलेशन रे बहुत इंपोर्टेंट जति की डाटा गिवन अछि से डाटा रो साइन कन्वेंशन तमे यूज करिया को पड़िबो जो डाटा रो वैल्यू गिवन नाही फॉर एग्जांपल इट फोकल लेंथ रो वैल्यू गिवन नाही जोडा के हमको पचारि छ वी हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ हमको फोकल लेंथ बाहर करिया रछि तो एठे हमें साइन कोन हो जानने पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो प्लस रे आसीबो कि माइनस रे आसीबो सेटा हमर कैलकुलेशन पर जाना पड़ियो बट एबे हमें जानिचे कोन आर1 जानिचे आर2 जानिचे म्यू हला गोटे नंबर टा तो आर कोनसी प्लस माइनस नाही ये ऑलवेज 1.5 बट आर1 जे की ऑप्टिकल सेंटर टू राइट को अछि से कोन पॉजिटिव जे ऑप्टिकल सेंटर टू लेफ्ट को अछि से कोन हो नेगेटिव हो ठीक अछि सो ये गला माइनस 30 एबे हमें ठीक कौन यूज करिवा ना लेंस मेकर्स फार्मूला यूज करिया फोकल लेंथ बाहर करिया पई तो लेंस मेकर्स फार्मूला कौन दिस इज योर लेंस मेकर्स फार्मूला हेले एठे एबे क्वेश्चन आसीला एठे दीटा अछि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एठे दीटा अछि वन इज म्यू 2 अनदर वन इज म्यू 1 दीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अछि हेले एटा को हमें गोटे केमिति करिवा ना जदि हमरो एक्सटर्नल मीडियम डा एयर मीडियम हे जाउची एटे जदि सिंपली म्यू लेखा हला आर माने कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर आर माने ला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर ता माने म्यू 1 केते हे जिवो म्यू 1 हे जिवो 1 एठे हमरो म्यू 1 हे जिवो 1 आ म्यू 2 हे जिवो म्यू ठीक अछि सो दिस इज यो लेंस मेकर्स फार्मूला तो म्यू 2 हे गला म्यू सिंपली म्यू 2 का मे म्यू लिख दवा आ ये कोन हेला म्यू माइनस 1 हेला तो ए फार्मूला को यूज करिया तो ए फार्मूला को यूज करो केते होची 1/f केते हम जानिने इज इक्वल टू म्यू केते हमरो 1.5 माइनस 1 इनटू 1 डिवाइडेड बाय आर1 केते 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर2 आर2 केते होची माइनस 30 होची ताको लेखो माइनस 30 ठीक अछि 1.5 माइनस 1 केते हला 0.5 1/15 माइनस माइनस प्लस हे गला ये हला 1/30 ठीक अछि 0.5 माने केते 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 15 30 भीतर एलसीएम गले ये हबो केते 30 15 15 दुगुने 30 2 प्लस 1 केते हला 3 सो ये हला केते 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 30 तो 3 को 30 रे काटले रहला केते 10 तो टोटल ऊपर हम पाख रहला केते 1/20 दैट इंप्लाइज 1 डिवाइडेड बाय f इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 20 दैट इंप्लाइज देखो दीड जगह तमरो डिनोमिनेटर रे अछि दीड जगह हर रे अछि जदि शिफ्ट कर दवा बा एडा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दवा ठीक अछि एडा जदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दवा ये कोन हबो f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ठीक अछि बुझा पड़ला जदि बुझा पड़नी देन पचारि पारो काउ बुझा पड़लन जदि पचारि पारो एनी डाउट ओके तो आउ कार किछ डाउट नै देन आमे नेक्स्ट को जिबा सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मो आ तुम स्क्रीन रे शेयर करनी डायरेक्ट लिख दो छी नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि
सो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा एमती अच्छी कौन अच्छी देखो इफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द साइड्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द साइड्स देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस ठीक अच्छे क्वेश्चन हो कौन इफ ए बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द साइड देन फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस दिस इज योर क्वेश्चन लेखो समस्त क्वेश्चन फटाफट लेखो कहीं क्वेश्चन तुम जब न लिख यू कैंट गेट इट तुम नोट्स मुझे देनी कहीं तुमको ये मुझे एक्सरसाइज कराया चाहूँगी से कारण तुमको नोट्स ये देनी नोट्स नोट्स तुम जो ठक हो जाओ कहीं कर कारण ये दिखाई ये देख क्वेश्चन सांगे सांगे लिख आंसर मुझे जो करते लिख ठीक अच्छे सो देखो ये आम कौन कही गोटे बाइकनवेक्स लेंस कथा ही कही तो जदि बाइकनवेक्स लेंस हेले बाइकनवेक्स लेंस रे गोटे बेनिफिट कौन अच्छे ना दि साइड जाक रेडियस ऑफ कर्वेचर समान अच्छे दि साइड जाक रेडियस ऑफ कर्वेचर समान अच्छे सो मन कर आर वन इक्वल टू आर है देन आर टू इक्वल टू कौन हम आर ही हम आर टू भी कौन हम आर ही हम बट यहाँ हूँ आर वन यहाँ हूँ आर टू दिस इज आर वन दिस इज आर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर सो ए आर टू टा कौन लेफ्ट को अच्छी आर टू टा कौन लेफ्ट को अच्छी तो ये केवल माइनस ही पड़ो बट मैग्नीट्यूड दुई जगह सामान कहीं देख रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द साइड कही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द साइड कही मैंने बोथ साइड जाकर रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन हो सामान ठीक अच्छे तो जेहतु बोथ साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर सामान लेट गोटे साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर ने देन अनदर साइड रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन हम आर ही हम सो ये आर ही गला बट ये हम कौन देखियार अच्छी सिंबल देखियार अच्छी बा आमर डायरेक्शन देखियार अच्छी जो डायरेक्शन देखुची ये कौन होची माइनस ही आउची एबे क्वेश्चन रे से कौन कहिची फोकल लेंथ दे दीची फोकल लेंथ केते कहिची एफ इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर कहिची कौन कहिची हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर माने सिंपली R by 2, half the radius of curvature ला R, तारा half माने R by 2, but एठे focal length रो आमो को direction रो आवश्यकता आछ, तो गोटे convex lens पाई, focal length सब बोले कौन हो, गोटे convex lens पाई focal length सब बोले positive हो, कौन हो, positive हो, so this is positive, एठे आमे हो minus पके दरकार नहीं तो एबे हमें फॉर्मूला जानचे कौन फॉर्मूला जानचे 1 डिवाइडेड बाय f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2 वैल्यू जानचे पके दियो आंसर पले आसीओ केमेति ना देखो दैट इंप्लाइज 1 डिवाइडेड बाय r f तो 1 डिवाइडेड बाय f जगह रे केते पडियो r डिवाइडेड बाय 2 f जगह रे केते पडियो r डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू म्यू जोडा हमको जणा नै बाहर करियार अछि 1 by R1, R1 केते 1 divided by R, minus, R2 केते minus R, so ये minus R, ठीक अच्छी, then, देखो, that implies, एड़ देखो, R divided by 2 अच्छी, तो एड़ हम एमती लेखी पारी भी, 2 divided by R is equal to, म्यू माइनस वन इंटू माइनस माइनस प्लस हो गला
तो माइनस माइनस प्लस हो गल ये है कते 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर ता माने ये होची कते 2 डिवाइडेड बाय आर ठीक अछि माइनस माइनस प्लस हो गला तो हला कते 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर ये हला कते 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर तो 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर कते हो गला 2 बाय आर सो ये हो गला 2 बाय आर तो कहीं 2 बाय आर अछि एडी 2 बाय आर अछि कैंसिल हो गला तो हम पाखे रहला कते दैट इंप्लाइज mu minus 1 is equal to 1 that implies mu equal to kete asla e minus ta ke padan dio 1 plus 1 equal to 2 this is your required answer se pochar chhi na what is the refractive index find out thik achi so this is how you have to do the numericals edi amko focal length dei deichi radius of curvature dei deichi kon pochar chhi रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पचार छी माने ए तीनटा वैल्यू हमको दे दे छी पचार छी ए गोटे वैल्यू तो कोन वैल्यू कहितला ना रेडियस ऑफ कर्वेचर दुई जगह समान कहितला तो दुईटा जगह हम समान नेले कोन नेथिले ना r1 इक्वल टू r नेथिले r2 इक्वल टू मदे r ही नेथिले बट बिकॉज़ ऑफ साइन कन्वेंशन r2 टा कोन हेतला माइनस हेतला देन क्वेश्चन ने कोन अछि ना फोकल लेंथ हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर अछि ता माने रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आधा रेडियस ऑफ कर्वेचर रो आधा माने रेडियस ऑफ कर्वेचर r हेले r/2 हला सो एडा एई तीनटा वैल्यू का हम यूज करले एई फार्मूला रे एंड द रिजल्ट इज योर्स हला सो दिस इज अनदर काइंड देन आउ दुटा वैरायटी रो करिया क्वेश्चन कोन ऑफ कर दियो सर ओके सुनो मो एबे एडी लिंक तीन सेंटीमीटर ठीक अच्छे प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हैज ए कर्व्ड सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर आउ कौन गिवेन अच्छे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवेन अच्छे 1.5 ठीक अच्छे ए दुटा जिनस गिवेन अच्छे तो एबे हम ये पचार छी कोन फाइंड आउट द फोकल लेंथ फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस लेंस रो फोकल लेंथ केते बाहर करो कोइ सो देखो क्वेश्चन लेखो सब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस गिवन अछि तो क्वेश्चन एम लेखो इन ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इन ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इन ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कर्व्ड सरफेस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर हाउ कोन गिवन अछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन अछि 1.5 कौन पचार छी फाइंड आउट लेंथ ऑफ द लेंथ फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फोकल लेंथ कार बार करिया लेंस रो फोकल लेंथ बार करिया तो क्वेश्चन लेखा चलला फटाफट लेखा क्वेश्चन नो डिले ओके से कौन कहि छी देखो प्लानो कॉन्वेक्स प्लानो मींस सिंपली गोटे स्ट्रेट लाइन रे ड्रा कर दबो प्लानो हेला प्लेन कॉन्वेक्स then second ala tumara convex this one so the mirror is something like sorry the lens is something like this this is a plano convex lens to plano convex lens re dekho first surface ta plane surface so for a plane surface for a plane surface gote plane surface pai रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू इनफिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिटी काहे ना प्लेन सरफेस पे कोनो रेडियस ऑफ कर्वेचर नाही दिस इज नॉट अ सर्कल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नाही रेडियस ऑफ कर्वेचर तार केते हबो इनफिनिटी हबो देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस देखो कर्व्ड सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर माने दिस वन एही सरफेस रो रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 infinity r2 केते हबो लेफ्ट को अछि तो -15 सेंटीमीटर ठीक अछि ए आ गिवन अछि आ कोन गिवन अछि म्यू गिवन अछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते 1.5 कोन पचार छि फोकल लेंथ पचार छि तो फोकल लेंथ पे फार्मूला कोन अगेन द सेम फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 होल इनटू 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2 अप्लाई करिया सो अप्लाई करले कोन होची 1 डिवाइडेड बाय f
is equal to mu jagare podio 1.5 minus 1 1 by r1 r1 jagare kette achi infinity 1 divided by infinity minus 1 divided by r2 r2 jagare kette achi minus 15 ठीक अच्छी सो ये हला 1.5 माइनस 1 हला 0.5 1 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी हला 0 1 डिवाइडेड बाय इनफिनिटी कते 0 माइनस माइनस प्लस हे गला ये हला 1 डिवाइडेड बाय 15 ठीक अच्छी सो एड देखो कते आसीला दैट इंप्लाइज 1 डिवाइडेड बाय f is equal to 1 divided by 2 into 1 divided by 15 is equal to 1 divided by 30. That implies f equal to cross multiply kar dabo thik achi kon kariyo cross multiply kariyo cross multiply kale f equal to kete aschi 30 centimeter. So dekho these are the very easy problems aw a problems exam re sure shot gote asiyo bujhlo to this is the most important one to ame convex lens ra kale देन कौन कले एबे प्लानो कन्वेक्स लेंस रो कले ठीक अछि कौन कले प्लानो कन्वेक्स लेंस रो कले जदि हमको नेक्स्ट केस एडी कार कोन डाउट रहिला कि पचार दउ छी पुन तरे नेक्स्ट कार किछ जदि डाउट रहिला कहि पारो जार डाउट रहिला अनम्यूट करी कुहु जीवा जीवा सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन अछि ना गोटे कनकेव हो कन्वेक्स सरफेस दे छि कोन दे छि गोटे कनकेव हो कन्वेक्स कनकेव माने केमे थिबो दिस इज योर कनकेव कनकेव हो कन्वेक्स मींस लाइक दिस ए जो कनकेव हो कन्वेक्स रे तमो कोन गिवन अछि r1 दे दे छि केते दे छि r1 दे छि 5 सेंटीमीटर r2 दे छि केते 10 सेंटीमीटर ठीक अछि फोकल लेंथ दे दी फोकल लेंथ इन एयर दे फोकल लेंथ इन एयर दे के 20 सेंटीमीटर ठीक अच्छे एबे सी कहि फोकल लेंथ एयर दे दी तो ये तो सब जगह देदेला आम को बाहर करियो कौन पड़ियो तो सी क्वेश्चन को ट्विस्ट कला कौन ट्विस्ट कला जदि ए लेंसटा को जदि आम लेंसटा को नेगिरे उठे पानी भीतर रखता जदि हमें लेंस टा को नेग कूट रखिया पानी भीतर रखता तो पानी भीतर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहते 4 डिवाइडेड बाय 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहते 4 डिवाइडेड बाय 3 जदि हमें पानी भीतर नेग लेंस टा रखि दोचे ताहले फोकल लेंथ कहते चेंज हबो बा फोकल लेंथ न्यू फोकल लेंथ कहते हबो फोकल लेंथ रे कोड आसीओ पानी भीतर आसीओ पानी भीतर फोकल लेंथ केते होबो दिस इज योर क्वेश्चन ठीक अछि दिस इज ए टॉप क्वेश्चन देखो कोन गिवन अछि गोटे कनकेव हो कन्वेक्स गिवन अछि कनकेव हो कन्वेक्स रे रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट दे देला 5 सेंटीमीटर सेकंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देला 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन एयर दे देला 20 सेंटीमीटर से पचार छै कोन फोकल लेंथ इन वाटर जदि पानी रे अछि ताले फोकल लेंथ कोन होबो तो फर्स्ट रे एठे हमें को फार्मूला यूज करबा कैन वी यूज दिस फार्मूला नो एठे आउटे फार्मूला आसी कोन फार्मूला आसीओ ना ए सेम जिनसडा ही बट ये रहइबो म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय म्यू 1 इनटू 1 डिवाइडेड बाय r1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r2 काहे कि एठे हमरा दीटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अछि कोन गोटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी आउटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते वी डोंट नो हम जानने बट एठे हम के एतिक जिंस गिवन अछि ए जिंस को यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाहर करि परिबा ठीक अछि ए जिंस को यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाहर करि परिया सेटा पई कोन करबा ए फार्मूला यूज करिया यूज कर ए फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाहरियो केमेति बाहरियो हेले एठे इंपोर्टेंट कोन साइन कन्वेंशन वेयर इज द साइन कन्वेंशन तो देखो जतो बेला हमें साइन कन्वेंशन देखिबा एटा कनकेव हो कन्वेक्स सरफेस अछि तो एइठे एक्सिस टा कोटा हबो एक्सिस कोन एमिति हबो कि नो दिस कैन नॉट बी योर एक्सिस एक्सिस सब बेले स्ट्रेट लाइन हेतिबो सो ये एमिति हबो दिस इज योर एक्सिस ठीक अछि ये हबो तमरा एक्सिस तो जदि तमरा एटा एक्सिस होउछि इफ दिस इज योर एक्सिस ताहेले देखो
आर वन भी लेफ्ट को अच्छी आर वन लेफ्ट को अच्छी अगेन आर टू मध्य तुम्हारे लेफ्ट को ही अच्छी दीड जगह तुम्हारे लेफ्ट को ही अच्छी तो दीड जगह वैल्यू कौन हम माइनस हम ठीक अच्छे आर वन वैल्यू माइनस है आर टू वैल्यू भी माइनस ही है फोकल लेंथ पॉजिटिव जो कन्वेक्स आस फोकल लेंथ पॉजिटिव भाव आर कि ना है सो यूज करो यूज कले ये कैसे हम 1 by 20, focal length 20 अच्छी, 1 by 20 is equal to mu minus 1, 1 by minus 5, minus 1 by minus 10. तो minus minus ये वाला plus, ठीक अच्छी, so ये वाला कहते, mu minus 1 into 1 by 10 minus 1 by 5. तो देखो ये गोटे जिनस अच्छे कौन अच्छे तुम कनकेव हो कनवेक्स अच्छे तो जेहतु कनकेव हो कनवेक्स अच्छे दीट जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर लेफ्ट को अच्छे मैंने फोकल लेंथ ये माइनस ही हम ये फोकल लेंथ कौन हम माइनस ही हम सो हियर अल्सो फोकल लेंथ माइनस तो है तो ये हूँ के देख म्यू माइनस वन वन बै टेन माइनस वन बै फाइव टेन एलसीएम नि टेन एलसीएम ने ये हूँ के वन माइनस टू तो ये हला केते म्यू माइनस वन इंटु माइनस वन बाय टेन ठीक अच्छे सो ये मुझे पारि दैट इम्प्लाइज माइनस वन बाय ट्वेंटी इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटु वन बाय टेन तो माइनस को माइनस कैंसल हो गला दस दुगुणे कोड़े तो ये रहा के देख यहाँ मुझे लिखुच केते हला दैट इम्प्लाइज वन बाय टू इज इक्वल टू म्यू माइनस वन दैट इम्प्लाइज म्यू इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टू प्लस वन दुई एक दुई ये तीन डिवाइडेड बाय दुई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हला थ्री डिवाइडेड बाय टू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देन ग्लास मिली हला आउ कौन मिलला आम अलरेडी जानचे वाटर फोर बाय थ्री ये जिनस तो अलरेडी बाहर केत बाहर ये वैल्यू दिस इज तो नेक्स्ट आम आंसर बाहर पड़ो वेरी इजी एतिक जाए लेख फटाफट लेख एतिक जाए फटाफट सरला लेखा सो ये हम कौन बाहर पड़ा म्यूजी बाहर ला थ्री बाय टू ठीक अच्छे म्यूजी बाहर ला कहते थ्री बाय टू सो म्यूजी बाहर ला कहते थ्री बाय टू म्यू डब्ल्यू कहते बाहर ची फोर बाय थ्री ऑलरेडी गिवन अच्छे तो ये दुटा जिनस को आम यूज करिया देखो ये फर्मुला यूज करिया तो आम वन बै एफ के जाणने दरकार भी ना बाहरी पड़ सी म्यू टू टा कौटा ना देख जदि तुम एमती सिचुएसन हो ग्लास भितर ग्लास टा के अच्छे वाटर भितर अच्छी तो बोथ साइड रे किए रहा वाटर रहा तो जदि गोटे लाइट रे आसब सपोज ए लाइट रे जदि गोटे लाइट रे आसला ताले से जो मीडियम रो आसो सेडा हम फास्ट मीडियम तो सी को मीडियम रो आसुची वाटर मीडियम रो आसुची तो म्यू डब्ल्यू हैला तमरो म्यू वन कोडी के जाउची ग्लास को जाउची तो ग्लास हैला केते म्यू टू ठीक अच्छे तो एडा हम यूज करिया म्यू टू जगह रे केते पड़ियो तो ये देख ये आम इक्वेशन मॉडिफाई कर सिंपल करमी ना ये अच्छे म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू वन सो यहाँ मुझे लिखिपारि म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू वन है वन
1 divided by R1 minus 1 divided by R2. अबे साउथ जीजी हम पे तो ये हल्ला कहते हैं म्यूटू कहते हैं 3 divided by 2 होल divided by 4 divided by 3 minus 1 into 1 by R1 कहते हैं 1 divided by minus 5 minus 1 by R2 कहते हैं minus 10 हल्ला सो ये टोटल रो वैल्यू हमें बाहर कर सर थिले केते बाहर थिला माइनस 1 बाय 10 बाहर थिला तो मु डायरेक्ट एड पके दोची माइनस 1 बाय 10 हला देन एडी देखो कोन होची ये हला 3 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इनटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 तो 3 3 के 9 हो 2 4 को 8 9 रो 8 हले केते रे 1 1 डिवाइडेड बाय 8 1 डिवाइडेड बाय 8 इनटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 ये हला केते That implies 1 divided by f is equal to minus 1 divided by 80. That implies f equal to minus 80 centimeter. This is your required answer. A focal length ra kude asibo? A focal length ra water re asibo. To dekho, tomara air re focal length kete thila? 20 centimeter thila. Water re focal length kete asila? 80 centimeter asila. So, abhi jatiki jaga am problem kolle, se sabu bitare टिकेट ट्रिकी क्वेश्चन एटा ही थिला द लास्ट वन सो तुमको जनरली ए टाइप रो क्वेश्चन 3 मार्क्स रे आसीबो प्रीवियसली जो जगह कले से जा सब 1 मार्क रे ही आसीओ तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मु केतरा क्वेश्चन पठाइ देबी ठीक अछि नोट्स फास्ट रे थिबो नोट्स गल्ला पर तुम केतरा क्वेश्चन पठाइबी से क्वेश्चन जा तुम करिवो देन ताको सॉल्व करियो मते फोटो पठायो जहार जदी डाउट रहौ छ को क्वेश्चन सेडा मते मेंशन कर दबो मोर ए प्रॉब्लम डाउट रहला मेंशन करले सेई क्वेश्चन नंबर मते आंसर करी पठे देबी ठीक अछि सो कार कोन डाउट रहला ना क्लास रखिया